ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस भीषण गर्मी में पुराना सीलमपुर इलाके में स्थित नगर निगम के स्कूल में पिछले 2 महीने से बिजली नहीं है। इस भीषण गर्मी में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल रूम में लाइट नहीं जलने की वजह से बच्चों को अंधेरे में पढ़ना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल में लाइट नहीं होने के बच्चों के आरोपों को स्कूल के शिक्षक भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों का दावा है कि लाइट नहीं होने की समस्या पिछले 3 हफ्तों से है। लाइट का रिचार्ज कूपन खत्म हो गया है, ऐसा टीचरों का कहना है। उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें ये कूपन मिल जाएगा, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि आखिर स्कूल की लाइट कब तक आती है, क्योंकि अगर अंधेरे में बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कैसे, ये सोचने का विषय है। कितने टाइम से लाइट नहीं है स्कूल के अंदर, पंखा नहीं है? 3-4 महीने। 3-4 महीने से तो कैसे पढ़ाई करते हो फिर? ऐसे। तो गर्मी वगैरह नहीं लगती क्या? लगती है। तो क्या करते हो फिर? कॉपी से हवा कर लेते हो? हाँ, कॉपी से हवा कर लेते हो। रिचार्ज कराया था? तो आप कितने टाइम से लाइट नहीं है यहाँ पे, अब बताइए ना फिलहाल। अब शायद मतलब अंदाजा से 2 या 3 हफ्ते हो गए होंगे। 2-3 हफ्ते हो गए। तो जो बच्चे बता रहे हैं 2-3 महीने से लाइट नहीं है यहाँ पे, वो क्या कहानी है? 2-3 महीने तो नहीं, 2-3 महीने। यानी 3 हफ्ते से अभी भी लाइट नहीं है, तो क्या करी आपने इस बारे में? 3 हफ्ते से लाइट नहीं है। तो जी की हुई है वो, क्योंकि वो हमारा तो काम नहीं होता, वो प्रिंसिपल साहब का काम होता है। तो हमने उनको कहा, तो उन्होंने भी लेटर लिखे डिपार्टमेंट को, रिचार्ज करने के लिए उनको पैसा प्रोवाइड किया जाए। लाइट नहीं आ रही है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों को गर्मी लगती तो बच्चों को नहीं लगेगी गर्मी। तो उन्होंने कहा था हम क्या कर सकते हैं, हमें 3 महीने हो गए, हमें तनख्वाह नहीं मिली है, हम भी परेशान है। तो हमने कहा आप कहिए जाके, तो कह रहे आप कहिए जाके हम क्या कर सकते हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dellydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर